लगे हैं। देव ऋषि नारद जहां जहां जाते हैं लोगों से वृतांत बताते हैं, लोगों से कहते हैं मैंने गीता सुनाया, मैंने वेद सुनाया, मैंने चार वेद सुनाया, छह शास्त्र सुनाया, 17 पुराण सुनाया। बोले अभी आगे बचा क्या, कोई नहीं स्वीकार करता है। देव ऋषि नारद आगे जा रहे हैं, कल हम आपको कथा सुनाएंगे, आज तो मंगलाचरण रहा है, प्रथम दिवस रहा है, कल आप सुनेंगे भक्ति का कष्ट निवृत्त द्वंद्वकारी उपाख्यान और जहां तक भी कथा जाएगी। 4:30 बजे से कथा है, लेकिन थोड़ा सा समय आप लोग देंगे तो कथा में रोचकता आएगी, नहीं तो फिर मुझे भी और लोगों के जैसा ही काम करना रहेगा। यादो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम, श्लोक ही भागवत में काम निभाना पड़ेगा। कथा का श्रवण जितना ही कर लो जीवन में अनंत आनंद आएगा। आचार्य पर अनुरोध है कि ज्ञान यज्ञ करिस्त्रामी सुख शास्त्र कथा उज्ज्वलम, कल्याण से कथा शुरू करेंगे हम। गान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्जलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थ प्रयत्नतः। आरती उतारने की तैयारी करवाएं, प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था है, जो दो थाली लगाएंगे, दोनों में चंदन होंगे, एक पुरुष वर्ग के मस्तक पे तिलक लगाएंगे और एक स्त्री वर्ग के। परम पूजनीय 1008 महामंडलेश्वर श्री ब्रह्मांडपुरी जी महाराज हमारे बीच में पधारे, हमें भागवत कथा का अमृत पान करवाया। ये भागवत कथा वो है, इस अमृत से मनुष्य को मृत्यु के भय से बचाती है, मनुष्य को मृत्यु ना आए उससे नहीं बचाती ये कथा, ये केवल मृत्यु के भय से बचाती है। ये भागवत कथा वो कथा है। मैं अपने प्रधान जी श्री सीएल शर्मा जी और अपने ग्रोवर साहब बैठे हैं, अपने सपड़ा जी हैं, गुप्ता जी हैं ये, और हमारे स्कूल के प्रधान श्री ओपी तनेजा जी हैं, इनकी सबकी कृपा से। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँगा राजू राघव का, जिन्होंने हमें महात्मा जी से मिलवाया, और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इन्होंने हमें ऐसे संत से मिलवा दिया है जो हमें कृतार्थ करेंगे। एक बात और बता दूं, क्योंकि आज से आपको शायद पता हो कि आज से संस्कृत सप्ताह शुरू हुआ है, संस्कृत सप्ताह, विश्व संस्कृत सप्ताह इसको कहते हैं, ये गवर्नमेंट ने किया है, और पूरे विश्व में आज से विश्व संस्कृत सप्ताह का प्रारंभ हुआ है जो 7 दिन चलेगा। हमारी कथा भी ये 7 दिन चलेगी, क्योंकि हमारी कथा दोनों स्वामी जी के मुखारविंद से संस्कृत में होती है, ये कथा भी संस्कृत में हो रही है, और आज से विश्व संस्कृत सप्ताह भी प्रारंभ हो रहा है। इसमें मैं निवेदन करूंगा अपने प्रधान श्री एल शर्मा जी से, वो कृपया गवर्नमेंट को भी लिख दें कि हम भी ये संस्कृत सप्ताह, विश्व संस्कृत सप्ताह आज से हमने शुरू कर दिया है, ताकि उनको भी पता लगे जो वो करवा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। एक मैं प्रार्थना करूंगा अपने स्वामी जी से, वो हमें ये बताएं, आपको शायद पता होगा स्वामी जी आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान हैं, और इनकी ओर से यहाँ पर आयुर्वेद का जो है इलाज करते हैं, जो असाध्य रोग हैं जिनका ठीक ही नहीं हुआ अब तक, वो भी इनके पास आकर ठीक हो के गए हैं। मैं इनसे ये निवेदन करूंगा, ये जनता जनार्दन को इतना अवश्य बता दें वो किस समय से किस समय तक इलाज करेंगे और मरीजों को देखेंगे, ये हमारी प्रार्थना है। बाकी बातें हम दिल कल करेंगे, बाकी बातें होती रहेंगी। देखिए कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
विश्वरूपी परमात्मा को प्राणी मात्र में देख करके जनसेवा करना मैं मेरा धर्म समझता हूँ, निष्काम भाव से सेवा करता हूँ। कल सवेरे 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक आर्थराइटिस, संधिवात, डायबिटीज, मधुमेह, सिपला, कैंसर, एपिलेप्सी, स्पर्म डेवलपमेंट, प्रीगनेंसन, एनी वे हर बीमारियों का इलाज दिया जाएगा और वो निःशुल्क दिया जाएगा। अब यहाँ एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि आयुर्वला यशोवर चाह प्रजापासुनी वसुनी च ब्रह्म प्रज्ञाम नो देही तुम देही वनस्पति। इसकी कोई भी औषधि आयु की वृद्धि करता है, आयु बल को बढ़ाता है, सिर्फ वनस्पति ही कर सकता है और कोई नहीं। लेकिन ये औषधियां बाद में कहां से मिलेंगे, क्योंकि हम एक बार बड़े प्यार से गले लगा लें, केंद्र खोल रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स भी रहेंगे, पैरालिसिस के लिए मसाज की व्यवस्था भी रहेगी, दवाइयां भी मिलेंगी। और ये जो कार्य मैं कर रहा हूं, देखो मैं बड़ा पारदर्शी आदमी हूं, जगत कल्याण के लिए मैं निकला हूं, तन मन और विद्या ये मेरे पास है, दौलत नहीं है ना, मैं दौलत संग्रह करता हूं। ये जो भी कार्य हो रहा है आप जैसे लोगों के सहयोग से ही होता है, इसलिए ये कार्यक्रम में तो मैं भागवत कर रहा हूं, इस सुंदर कार्य में निःशुल्क औषधियां वितरित होंगी, लेकिन इसके बाद कुछ शुल्क सुविधाएं जो रखेंगे वो हमारे राजू राघव जी या जो चिकित्सा के हमारे डॉक्टर। एक दिन हमने भी ऊपर वाले से दुआ मांगी थी, दुआ में कुछ और नहीं अपनी ही मौत मांगी थी, उसने कहा दुआ कबूल है, मौत देवी देता, पर ब्रह्मांडपुरी उन लाखों माताओं भाइयों को क्या बोलूंगा मैं, क्या जवाब दूंगा जिन्होंने हर सांस में तेरी जिंदगी के लिए दुआ मांगी थी। तो मैं तो हमेशा आप लोगों के बीच बेटा, भाई, गुरु बन करके रहता हूँ, बस यही है कि यही प्यार छलकता रहे। दरवाजे पे तुलसी का वृक्ष हो, शालिग्राम हो, घर में पंचामृति हो, आए आरती उतार Oh, 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 oh
नहीं भूत नहीं भूत की जय गली में अंजनी नंदनाय विद्महे रामदासाय धीमहि तन्नो शीतल मञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुवर्ण पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वर
सांगायो सायुधायो सशक्तिकायो सबाणाय सपरिकरायो मंडल मंडप देव सहितायो इस मंत्र पुष्पांजलम समर्पयामि श्रीमद् भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, संत समाज की, शव भक्तन की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पदये, हर हर महादेव। श्री राम।